मेरा रूटीन क्या है ये शेयर करने जाती हूँ। आप सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स आपको पता है इधर होते हैं, इधर होते हैं, यहाँ पे। आप इस रूटीन से हेल्प भी ले सकते हैं। मेरे पास क्लिनिक में बहुत लड़कियाँ आती हैं जिनकी अच्छी लड़कियाँ ख़वातीन जिनकी अच्छी स्किन होती है, मगर थोड़ी सी बेहतियाती, लापरवाही, सुस्ती की वजह से हम मेकअप सही रिमूव नहीं करते और अच्छी खासी स्किन ख़राब हो जाती है। और इस गलती की वजह से आपकी स्किन पे हो क्या सकता है, एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ब्लेमिशेस, बम्स, मीलियाज, और यहाँ कोई और शेड। तो सोचें कि अगर मेकअप रिमूव करने पर थोड़ी सी तवज्जो दे दें, उतनी भी अगर नहीं जितना हम मेकअप लगाने पे देते हैं, थोड़ी सी तवज्जो दे दें, तो क्या डिफरेंस आ सकता है। मैं भी अब थोड़ा सा ईजी होंगी और उसके बाद आई विल मेक श्योर कि बेड पे जाने से पहले मैं अपना मेकअप इस तरीके से रिमूव करूँ कि स्किन बिल्कुल क्लेंज हो जाए, और आपसे भी शेयर करती हूँ। ओके जी, अब वक्त है कि मैं अपनी स्किन को क्लेंज करूँ, कोई इम्प्योरिटी मेरी स्किन पे ना रहे, बहुत ज़रूरी है मेरी अच्छी स्किन के लिए। तो मेरा रूटीन क्या है ये अब शेयर करने जाती हूँ आपसे। ये मेरा एक बेसिक्स का कॉर्नर है जो मेरे लिए बड़ा बेसिक्स है, लेकिन ये मेरी ज़रूरत है डेली रूटीन की। तो सबसे पहले, चूंकि आजकल वेदर ऐसा है, तो मैं एक टोनर और हाइड्रेटिंग मिस्ट, रोज एंड हनी अपने फेस पे यूज़ करूँगी। ठीक है, अभी कोई मेकअप नहीं उतरा है। यस, इसकी काफ़ी क्वांटिटी ले ली क्योंकि ऑलरेडी रोज एंड हनी मिस्ट लगाया हुआ है, सो आई डोंट नीड वाटर। वैसे मुझे वाटर बीच में यूज़ करना सही लगता नहीं है, बेहतर है कि आप कोई टोनर या हाइड्रेटिंग मिस्ट, इसी तरह की चीज़ ड्यूरिंग। तो जो भी आप क्लेंजिंग के लिए एजेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक्स का हो या ना, उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई स्क्रब नहीं होना चाहिए। यानी क्लेंजिंग का ये पहला स्टेप है कि आप पहली जो चीज़ लगाएंगे वो बहुत सिल्की और स्मूथ हो। अब आप देख सकते हैं कि स्किन इज ऑलमोस्ट क्लीन, एंड बिफोर आई वॉश माई फेस मैं क्या करूँगी, अपने कॉटन पैड पे अगेन टोनर, मेरा मिस्ट, ये मैंने लगाया, और अब मैं आईज के इर्द गिर्द ये वाले जो हम हमारे कॉर्नर्स होते हैं ना स्किन के, ऐसे वो हम भूल जाते हैं, और उस जगह, और सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स आपको पता है इधर होते हैं, इधर होते हैं, यहाँ पे होते हैं, इस जगह होते हैं, क्योंकि हम इन एरियाज को भूले हुए होते हैं। तो ये हो गया जी मेरा पूरा टोनर, सही। अच्छा जी, क्लेंजिंग के बाद अब एक्सफोलिएशन, यानी जो डेड सेल की एक लेयर है उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि आजकल वेदर बहुत ड्राई है, तो मैं हनी एंड आलमंड आजकल यूज़ कर रही हूँ, उससे पहले मैं एक और स्क्रब यूज़ कर रही थी। तो बेसिक्स का हनी एंड आलमंड, ये मैंने, मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, बहुत मज़ेदार है, इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है, और आपकी डेड सेल रिमूवल जेंटली आप एक्सफोलिएट करें, एंड देन यू वॉश योर फेस, दैट्स इट। इससे आपके ब्लेमिशेस भी, जो बहुत सुपरफिशियल होते हैं, वो चले जाते हैं, ये याद रखिएगा। और ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो इनग्रोन जिनके हो जाते हैं, जो वैक्स कराती हैं, बाल छोटे रह जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी नहीं है बैरेंस होती, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा एक्सफोलिएट करें, अगर वो चाहती हैं कि इनग्रोन या दाढ़ी जैसी अपेरेंस उनके चेहरे पर ना आए। हाँ जी, तो अब ये क्लेंजिंग रूटीन तो पूरी हो गई, बस अब फेस वॉश करना है, थोड़ा सा वाइटामिन सी लगाना है, उसके बाद बेड में चले जाना है। सो अब हनी फेस वॉश, मैंने जैसे आपको कहा कि इस वक्त वेदर की वजह से ये हनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बेसिक्स की, यही फ़िलहाल आपके लिए बेस्ट हैं। बस नो रबिंग, दैट इज इट। और अब मैं इस स्किन पे, यानी जो पानी है मौजूद मेरी स्किन पे, तो मैंने लगाना है विटामिन सी।
व्हाट इज इट? सो अब आई एम रेडी टू गो टू बेड. ये है मेरा क्लेंजिंग रूटीन. आप अपना क्लेंजिंग रूटीन भी शेयर कर सकते हैं और इस रूटीन से हेल्प भी ले सकते हैं. याद रखिएगा, सबसे पहले क्लेंजिंग मिल्क, एक्सफोलिएशन यानी स्क्रब, उसके बाद एंड्यूरिंग दिस मिस्ट या पानी, जो भी आप यूज़ करना चाहें, या टोनर उसके साथ यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ स्टेप फेस वॉश, एंड फेस वॉश के बाद विटामिन सी अपनी रीसर्फेसिंग के लिए ज़रूर यूज़ करें. एंड रिमेंबर, विटामिन सी मैं रात में इसलिए यूज़ करती हूँ कि मेरी स्किन को न सिर्फ हाइड्रेशन मिल जाए बल्कि जब मैं सुबह उठूँ तो बहुत फ्रेश फील करूँ विद ग्लोई स्किन. ओके, खुदा हाफिज़, गुड नाइट.